हम सारी लड़कियों की सिचुएशन नो इमरजेंसी जैसी होती है कि अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह क्या बात कर रही है लड़की, तो मैं आपको बताऊं लड़कियों की क्यों लड़कों की भी हो सकती है। क्यों? किचन में तो आजकल हम सभी जाते हैं, और किचन में जा रहे हो, पूड़ी तल रहे हो और अचानक से क्या हो, थोड़ा सा तेल आपके ऊपर गिर जाए, ओ माय गॉड व्हाट अ पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तब आप क्या करते हो? उस टाइम आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये हम सब लोगों के लिए है जिनको किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग किचन में काम करते हैं उनको छोटा मोटा जलना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, कई बार आप इग्नोर भी कर देते हो। तो आज मैं आपके लिए एक और ऐसा नुस्खा लेकर आ रही हूँ जो कि एक होम रेमेडी है। अगर जल जाए बाय चांस, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर जल जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, थैंक यू सो मच, मेरा जो पुराना वीडियो था उसको आप सबने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। जितने भी लोगों ने वो फॉर्मूला यूज़ किया है जलने पे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीडबैक दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे जब एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो ये दूसरे वीडियो की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि किस तरह कपूर से अगर आप जल जाएं तो इमीडिएट लगाने पे आपको बिल्कुल अच्छे से आराम मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप सब यूज़ कर चुके हैं। अब बात यह है कि कल मैं पूड़ी तल रही थी और जो थोड़ा सा तेल था, मैंने पूड़ी थोड़ा ज़ोर से डाल दी, वो उछल के मेरे पेट पे आके गिर गया। अब मैं क्या करूँ? मेरे घर में उस टाइम कपूर नहीं था कि मैं वो होम रेमेडी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये बर्फ़ लिया और बर्फ़ लेके मैंने उसको इस तरह से दबा दिया। इससे क्या हुआ, और मैंने एक बैंडेज मतलब पट्टी बांध ली थी पेट पे, उससे क्या हुआ कि फॉर अ टाइमिंग थोड़ा कूलिंग इफेक्ट शुरू हो गया था और मुझे मेरी होम रेमेडी बनाने का टाइम मिला। तो 5 मिनट भी नहीं लगता है ये होम रेमेडी बनाने में। जब आपके घर में कपूर ना हो तो ये वाली होम रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। आइए दिखाती हूँ किस तरह से बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बना हुआ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का सबसे पहले। तो आइए जल्दी चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से मैंने बनाई है ये होम रेमेडी, और आप मानोगे नहीं, मुझे इमीडिएट रिलीफ, थोड़ा सा रेडनेस है लेकिन मेरे को कोई जलन नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई छाले नहीं हुए हैं। तो ध्यान से ज़रूर देखिए। तो मैंने जल्दी से 2 चम्मच शहद लिया। शहद में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जलने से हमें बहुत राहत दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 2 चम्मच शहद लिया। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया त्रिफला का पाउडर। त्रिफला में हीलिंग कैपेसिटी होती है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, यहाँ मैंने ला ऑर्गेनो का लिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच मिलाया। ये क्वांटिटी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर देंगे, हमें सिर्फ पेस्ट तैयार करना है। आप देख सकते हो ये मैं मिलाने जा रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल, इससे एक ठंडक मिलती है और ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल हैं, घर में पाई जाती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये एक सॉल्यूशन है, ये जो तैयार होके रेडी हो गया है। इसमें आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने बर्फ़ लगाई थी, अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो लेट्स से अगर आपके हाथ में जला है तो आपने यहाँ पे बर्फ़ लगाया था, उसके बाद बर्फ़ को निकाल दीजिए। इसको इस तरह से उंगली में ले लीजिए, ठीक है, और आराम से इसको यहाँ पे लगा लीजिए इस तरह से। मसाज नहीं करनी है क्योंकि जले एरिया पे कभी भी मसाज नहीं करते, लेकिन अच्छे से मैं धीरे हल्के हाथ से लगा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, अगर आपके घर में कभी भी आपको कुछ ऐसा छोटा मोटा जलता रहता है, अगर हो जाए तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी है और उम्मीद करती हूँ आपके काम भी आएगी, और प्रेयर करूँगी आपको कभी कुछ भी ना हो।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है, ये छोटा सा वीडियो है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरा रामबाण नुस्खा है ना उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा, वो तो मैजिकल है। तो फ्रेंड्स अगर वो नहीं हो तो ये नहीं हो तो वो, जो भी हो आप यूज़ कर लीजिए और आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी वेरी सून विद समथिंग न्यू, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।